नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। पुलिस और सेना में दाढ़ी और मूंछ रखने के क्या नियम हैं? दरअसल अभी हाल में ही यूपी के एक जिले में दरोगा को दाढ़ी रखने के लिए विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया था। अब कई लोगों ने इसके तहत मौजूदा नियमों की क्या जानकारी है, तो वो सही जानकारी आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दाढ़ी और मूंछ रखने के लिए क्या है नियमावली? दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनुअल अधिनियम और नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। अब पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूंछ तो रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रख सकते। केवल सिख समुदाय ही दाढ़ी रख सकता है। उत्तर प्रदेश के पुलिस नियमावली 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर संयोजित किया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी जिला कप्तान अथवा विभागाध्यक्ष की अनुमति लेकर के अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। वे गुण दोष के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं, किंतु यदि बिना अनुमति के दाढ़ी बढ़ा ली है तो विभागाध्यक्ष वैधानिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ड्रेस रेगुलेशन इसकी अनुमति देता है कि आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। अब इसी तरह सेना में भी अपनी यूनिफॉर्म में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। दरअसल धार्मिक पहचान जाहिर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। सेना में भी सिखों के अलावा किसी को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है, और ना ही चिन्ह के माध्यम से धार्मिक पहचान दिखाने की इजाज़त है। ये नियम थल सेना और वायुसेना दोनों में प्रभावी है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में सेना में धार्मिक प्रतीकों की अभिव्यक्ति करने पर रोक लगी हुई है। इसके पीछे का तर्क है कि अगर हर किसी को उसकी मान्यता को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे दी गई, तो इससे सेना की एक इकाई के तौर पर सामंजस्य और उसकी सामूहिक पहचान को चोट पहुंचेगी। आपको बता दें कि अभी बीते दिनों एक सब इंस्पेक्टर ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, जिसके बाद उसको निलंबित करा गया था। तब से ये मामला तूल पकड़े हुए था। अब जुलाई 2008 में एक सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा था कि दाढ़ी रखना मुस्लिमों के लिए बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सेना के हर सदस्य के चेहरे की पहचान महत्वपूर्ण है, खासकर जब वह वर्दी में हो। अब दाढ़ी ना रखने का नियम भारतीय सेना के सभी अंगों पर लागू है। इंडियन नेवी के जवान अपनी कमांडिंग ऑफिसर की इजाज़त से दाढ़ी रख सकते हैं, और ये नियम भी दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी से आया है, जिसने नौसैनिकों को दाढ़ी रखने की इजाज़त दी थी। 1971 तक भारतीय नौसैनिकों को दाढ़ी और मूंछ दोनों रखने या फिर क्लीन शेव रहने की इजाज़त थी, लेकिन 1971 में एडमिरल आर के नंदा ने नौसैनिकों को उनकी मर्जी के मुताबिक दाढ़ी मूछ रखने या क्लीन शेव रहने की इजाज़त दे दी थी। तब जारी आदेश में कहा गया था कि सिर्फ दाढ़ी या मूछ या दोनों ही रखी जा सकती है। अब मुस्लिमों के दाढ़ी रखने के बारे में IAAF ने पहला निर्देश 1980 में जारी किया था, जिसके मुताबिक दाढ़ी रखने वाला मुस्लिम व्यक्ति दाढ़ी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि उसे मुट्ठी में लेने पर उसमें से वो बाहर ना निकले, लेकिन इसके लिए उसे इसका कारण बताते हुए कमांडिंग ऑफिसर को आवेदन भी देना होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2003 में आए दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं मुस्लिमों को दाढ़ी और मूंछ रखने की इजाज़त होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2002 के पहले हुई थी, लेकिन किसी भी हालत में बिना मूंछ के दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको दाढ़ी रखनी है तो साथ में मूंछ भी रखना है। आपको बताया कि जो सिख धर्म है उसमें केश की प्राकृतिक बढ़त को नुकसान न पहुंचाने की मान्यता है। यह प्रथा 5 ककारों में से एक है, जिसे खुद सिख गुरु गोविंद सिंह ने जरूरी बताया था। साल 1699 में गुरु ने कहा था कि मेरा सिख उस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, दाढ़ी के बाल काटना उसकी बड़ी भूल माना जाएगा। सिखों के लिए दाढ़ी का महत्व इससे समझा जा सकता है कि मुगल काल के दमन के दौरान सिखों ने दाढ़ी कटाने की बजाय अपना सिर कटवाना सही माना था। अब मुस्लिमों में दाढ़ी रखने या ना रखने को लेकर कोई पक्का धार्मिक नियम नहीं है। वैसे दाढ़ी रखना सुन्नत माना जाता है, यानी इसे रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये इस्लाम में फर्ज या अनिवार्य नहीं है। इसी वजह से पुलिस सेवा में सिखों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाज़त
नहीं है, और रखनी है तो अलग से इजाज़त लेनी होती है। यानी आप अपने संबंधित विभागाध्यक्ष जो भी हो उनसे इजाज़त लें और उसके बाद आप दाढ़ी रखें। लेकिन अगर कोई बिना इजाज़त ऐसा करे तो ये डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के 665 रेगुलेशन के खिलाफ जाना होगा। और दाढ़ी मूछों के रखने या ना रखने का ये नियम सेना में दो वजह से बना है, ताकि सेना, पुलिस या पैरा मिलिट्री एक यूनिट की तरह दिखाई दे। दूसरी ये कि सेवाएं सीधे देश और आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में दाढ़ी या मूछें रखकर चेहरे की पहचान भी बदली जा सकती है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। सिखों की भी दाढ़ी समेत फोटो ली जाती है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि चेहरे पर पूरी तरह से उनका चेहरा समझ में आए उस फोटो के अंदर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत। धन्यवाद।